गुड मॉर्निंग डियर नर्सिंग एस्पिरेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सूर्या लेक्चर्स। तो आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है आपका डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी, और जो नर्सिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिगॉक्सिन। फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। तो अभी डिगॉक्सिन क्या है, देखो डिगॉक्सिन आप लोगों की क्या है, ये एक इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के टॉपिक में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है। डिगॉक्सिन के बारे में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कौन से क्लासिफिकेशन में आती है, ब्रांड नेम क्या है, क्या इसका एक नॉर्मल रेंज है, क्या इसकी टॉक्सिसिटी लेवल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके इंडिकेशन, इंडिकेशन या फिर इसके यूजेस, ठीक है। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की एक ड्रग जो है वो कैसे काम करती है अपना। फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या आपको ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे जब भी ये ड्रग आप देंगे, या फिर अगर इसका टॉक्सिसिटी लेवल अगर हो जाता है, टॉक्सिक लेवल में अगर ये ड्रग पहुंच जाते हैं तो क्या ईसीजी चेंजेस आपको देखने के मिलेंगे। देन इसके अर्ली साइंस डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के, ठीक है। तो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अर्ली साइंस क्या क्या आपको देखने हैं वो हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। देन वी विल सी एंटीडॉट ऑफ द ड्रग, ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी ऐसे मतलब डिजीज कंडीशन है जहां पे ये ड्रग देने की वजह से उसकी टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो रिस्क ऑफ ड्रग्स इन डिजीज कंडीशन, कौन सी ऐसे डिजीज कंडीशंस हैं या फिर कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहां पर हम लोग ये ड्रग अगर देंगे तो इसका टॉक्सिसिटी लेवल विल गेट इंक्रीज, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज के डिगॉक्सिन के अंडर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला वी विल टेक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग इस ड्रग के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये ड्रग एक्चुअली होती क्या है। तो ये जो ड्रग है ये आती है आपकी कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर, ये आता है आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग, ठीक है। क्या है ये, कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स है ये। अब कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स क्या होती है, ये वो ड्रग्स होती है जो क्या करती है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेंगी। कार्डियक आउटपुट को कैसे इंक्रीज करेंगी, कि जो रेट है हार्ट रेट उसको कम करके, ठीक है, ध्यान रखना जो रेट को कम करके लेकिन जो पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो वेंट्रिकल से आउटपुट भी अच्छा होगा, दैट इज योर कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करती है, ठीक है। देन ये क्या है, एक पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग है। क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग, जिसका काम क्या होता है, अगेन हार्ट रेट के जो फोर्स ऑफ, हार्ट रेट को नहीं बढ़ाना है लेकिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे, जो वेंट्रिकल है वहां से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल गेट इंक्रीज तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली विल गेट इंक्रीज, ठीक है। देन इसका साथ ही साथ क्या होता है, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट जो बोला हमने, तो यानी कि ये हार्ट रेट को कर देता है कम। हार्ट रेट को कैसे कम कर देगा, क्योंकि ये वेगल नर्व को स्टिमुलेट करता है। किसको, वेगल नर्व को स्टिमुलेट करता है आपके एसए नोड में, ठीक है, एसए नोड और एवी नोड में, जिससे क्या होता है कि जो आप लोगों का वेगल नर्व अगर स्टिमुलेट होगा तो आपका रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है, ये नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक के साथ साथ नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट होता है, जिसका मतलब क्या है कि जो कंडक्शन सिस्टम होगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का एवी नोड से वेंट्रिकल्स में आने का, वो डिले हो जाएगा। तो क्या होता है, जो कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो भी हो जाती है कम, ठीक है, कंडक्शन वेलोसिटी वो भी हो जाती है आपकी कम, ठीक है।
तो ये क्या होता है, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक है लेकिन नेगेटिव क्रोनो और ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। अब हम लोग इसका अगर ब्रांड नेम, कई बार क्वेश्चन आपको इसके ब्रांड नेम से भी आता है, तो ब्रांड नेम जिस बहुत कॉमन जो ब्रांड नेम डिजॉक्सिन के यूज करते हैं वो है आपका लिनोक्सिन। क्या है वो? लिनोक्सिन। इसका ब्रांड नेम क्या है? लिनोक्सिन। ठीक है, देन अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये जो ड्रग है, ये ड्रग क्या करती है आपकी, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो है, क्या है जो, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो है उसको क्या करती है ये ड्रग, इनहिबिट करती है। क्या करती है? इनहिबिट, यानी कि उसको काम नहीं करने देती, वो रास्ता का क्या कर देगी, वो उस रास्ते को ब्लॉक कर देगी, उस रास्ते को इनहिबिट कर देगी। ठीक है, तो ये सारे ये हम लोगों ने देखा कि ये आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जब हम लोग मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है इस ड्रग का कि ये क्या होती है, कौन सी क्लास में आती है, कैसे एक्ट करती है हार्ट रेट को कम करने के लिए और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, देन हम लोग देखेंगे इसके यूजेस, यूजेस पढ़ लो या फिर इसके इंडिकेशंस। तो ये हम लोग कौन कौन सी कंडीशंस में यूज करते हैं, तो वो है आपका एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, कार्डियोजेनिक शॉक और कहां पे, हार्ट फेलियर। जो हमने पहले क्लास ली थी कार्डिक एरिथमियाज में, उसमें हमने देखा कि जो फिब्रिलेशन होता है उसमें हमेशा रेट विल बी मोर देन 350 बीट्स पर मिनट। रेट क्या होगा आपका? 350 बीट्स पर मिनट होगा, मोर देन 350 बीट्स पर मिनट। फ्लटर में यही जो ये रेट होगा वो होगा आपका 250 टू 350 बीट्स पर मिनट। तो इन दोनों कंडीशन में एक ड्रग कैसे काम करेगी, मैंने बोला कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ये इम्प्रूव करेगी और वेगल नर्व को स्टिमुलेट कर रही है तो रेट को कम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस ड्रग को देंगे ताकि रेट कम हो लेकिन कॉन्ट्रैक्शन की पावर इम्प्रूव हो, सो दैट कार्डियक आउटपुट विल गेट इंक्रीज। देन कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा? कार्डियोजेनिक शॉक में, शॉक क्या होता है? शॉक वो कंडीशन है जहां पे जो टिश्यू परफ्यूजन, मायोकार्डियल टिश्यू परफ्यूजन विल गेट हैम्पर्ड, तो उसकी वजह से जो कंडीशन होगी उसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। तो वो शॉक यानी कि टिश्यू परफ्यूजन कैसे पूरा होगा, जब आउटपुट मेंटेन रहेगा, तो उसी आउटपुट को मेंटेन रखने के लिए हम लोग डिगॉक्सिन दे रहे हैं। देन है आपका हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर अगेन कार्डिक आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए वी आर गिविंग दिस ड्रग। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली वो है ये कि जब भी हम लोग इस ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे, अगर हम लोग इस ड्रग को दे रहे हैं किसी को, तो हमें क्या चीज चेक करनी है? सबसे पहले हमें चेक करना है एपिकल पल्स, एपिकल पल्स हमें चेक करनी है फॉर वन मिनट। ठीक है, एपिकल पल्स चेक करनी है फॉर वन मिनट। एपिकल पल्स कभी कभी आपको एग्जाम में पूछेंगे इसके और नाम से, इसके और नाम क्या है, वो है आपका सेंट्रल पल्स, क्या है, सेंट्रल पल्स, या फिर ये है आप लोगों की मैक्सिमम इम्पल्स पल्स, क्या है, मैक्सिमम इम्पल्स पल्स। ठीक है, तो दो नाम से आपकी जानी जाती है, एपिकल पल्स दैट इज अ सेंट्रल पल्स और मैक्सिमम इम्पल्स पल्स, जिसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये कहां पे आपको मिलेगी, ये जो साइट है कहां पे आपको एपिकल पल्स मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट की साइड में, कहां, किससे मिलेगी, बच्चों में। ठीक है, चाइल्ड में ही आपको कहां पे मिलेगी, फोर्थ इंटरकोस्टल मसल्स में। लेकिन अगर वहीं हम एडल्ट की या फिर ओल्डर एज की बात करें तो वहां पे हमें ये फिफ्थ इंटरकोस्टल मसल्स में मिलती है, दैट इज अगेन इन योर लेफ्ट साइड। तो ये मिलती है हमें एडल्ट या फिर ओल्ड एज में। ठीक है, ओल्ड एज में। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई हमें एपिकल पल्स चेक करनी है वन मिनट तक। क्यों हम एपिकल पल्स चेक करेंगे एक मिनट तक? क्योंकि मैंने क्या बोला कि वेगल नर्व को स्टिमुलेट करके ब्रेडिकार्डिया कॉज कर रहा है, तो ब्रेडिकार्डिया करेगा तो हमें पता होना चाहिए कि कितने हार्ट रेट में हमें ये मेडिसिन देनी है या नहीं देनी है। तो अगर हम बात करेंगे एडल्ट की, है ना, सॉरी पहले हम इन्फेंट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इन्फेंट या फिर चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो उनमें जो हार्ट रेट होता है इट शुड बी मोर देन 90 to 110 बीट्स पर मिनट। ठीक है, और अगर हम एडल्ट या फिर ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, किसकी, एडल्ट की या फिर ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, तो इन इन एजेस में जो रेट होता है इट शुड बी मोर देन 60 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो अगर इस इन दोनों के इस रेट से
मतलब अगर हार्ट रेट इनका इससे और एडल्ट का 60 से ज्यादा होगा तभी उसी कंडीशन में हमें ये ड्रग देनी है, दैट इज अ डिगॉक्सिन ड्रग, नहीं तो क्या कॉज होगा, ब्रेडीकार्डिया कॉज होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। अभी हम लोगों ने इसके यूज देख लिए थे, अब देखेंगे हम लोग इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे हमें ये ड्रग बिल्कुल भी नहीं देनी है? तो हमें पता है कि हमेशा हम लोग कोई भी ड्रग कब नहीं देते हैं, अगर हमारी या फिर पेशेंट की बॉडी हाइपर सेंसिटिव है उस ड्रग के लिए, तो यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी अगर है तो नहीं देनी है। देन आप लोगों का अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो हम लोग इस ड्रग को नहीं देते हैं। देन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो इस कंडीशन में भी हमें ये ड्रग नहीं देनी है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है तीन मेन कंडीशन में, दैट इज योर हाइपर सेंसिटिविटी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हमें ये ड्रग नहीं देनी है। ठीक है, नाउ वी विल सी मोड ऑफ एक्शन। तो आप लोग मोड ऑफ एक्शन बोल लो इसको या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोल लो। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन ये कैसे एक्ट करती, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो ड्रग होती है आपकी, ये कहां, ये किसको इनहिबिट करती है, ये इनहिबिट करती है सोडियम और पोटेशियम एटीपेज चैनल, या फिर आप लोग बोलते हो कि सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करती है। ठीक है, तो अभी हमें डायग्राम से समझते हैं। सपोज आपका ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये चैनल कहां पे आपका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही है, जो आपका सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वहां पे आपका ये मिलता है ना। तो सपोज अगर ये सोडियम यहाँ पे आपका, सपोज ये सोडियम पोटेशियम पंप है, सपोज ये सोडियम पोटेशियम पंप है, तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो सोडियम होता है आपका, सोडियम क्या है आपका, सोडियम एक मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन है। सोडियम क्या है, सोडियम एक मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन है, जबकि जो पोटेशियम है वो क्या है आप लोगों का, मेजर इंट्रा सेलुलर कैटाइन है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपके सोडियम को जाना है बाहर, ठीक है, सोडियम को जाना है बाहर और पोटेशियम को आना है अंदर, नॉर्मली यही है। लेकिन अगर आप डिगॉक्सिन ड्रग दे देंगे तो ये चैनल हो जाएगा आपका हैम्पर्ड, ये चीज नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ एक और चैनल आप लोगों का एक्टिवेट है, दैट इज योर सोडियम कैल्शियम पंप। ठीक है, सोडियम कैल्शियम का चैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आप लोगों का सोडियम है, अब सोडियम आप लोगों का होगा मूव बाहर और कैल्शियम होगा अंदर। ठीक है, तो कौन आ रहा है आपका, अभी आपका सोडियम हो जाएगा बाहर, कैल्शियम हो जाएगा अंदर। तो कहानी अब यहां से शुरू हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन की, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको कैल्शियम से ही मिलेगा। तो अभी क्या होगा, ये इनहिबिट हो गया, लेकिन साथ साथ क्या होता है आप लोगों का, जो सोडियम और कैल्शियम चैनल है, सोडियम कैल्शियम चैनल आप लोगों का एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, कैल्शियम की अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, और कैल्शियम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, कैल्शियम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब अगर कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिव होगा तो ऑफकोर्स कार्डिक आउटपुट विल गेट इंक्रीज। यहाँ पर CO का मतलब क्या है, कार्डिक आउटपुट। तो डेफिनेटली अगर कॉन्ट्रैक्शन इंप्रूव होगा तो क्या होगा, कार्डिक आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर था वो आपका हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा आपका वेंट्रिकल्स में जो फिलिंग प्रेशर है, वेंट्रिकल्स का जो फिलिंग प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अभी बढ़ गया आपका कार्डिक आउटपुट। तो इतना समझ में आ गया मोड ऑफ एक्शन में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि इनहिबिट करता है आपके सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल को, जिसकी वजह से आपका सोडियम कैल्शियम पंप जो था वो एक्टिवेट हो गया, कैल्शियम मिल गया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंप्रूव हुई है, कार्डिक आउटपुट विल गेट इंक्रीज और वेंट्रिकल्स का फिलिंग प्रेशर विल गेट डिक्रीज। ठीक है, तो अभी मोड ऑफ एक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे अर्ली साइंस ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के।
अर्ली साइंस ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो हमेशा याद रखना कि जो भी हम लोग ड्रग लेते हैं वो अगर वो सबसे पहले आपका इम्पैक्ट क्या करेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम। किसको इम्पैक्ट करेगी? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट हो रहा है तो आपको पता खुद ही पता चल जाएगा कि सिम्टम्स में सबसे पहले क्या आएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम, सबसे इम्पॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है कि अर्ली साइंस क्या है डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी का, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, अभी अगर सपोज कोई पेशेंट डिगॉक्सिन ले रहा है एंड ही इज कंप्लेनिंग कि उसको एनोरेक्सिया, खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको क्या भेजना है इसमें? सबसे पहले आपको सीरम डिजॉक्सिन लेवल यानी कि ब्लड में जो डिजॉक्सिन की लेवल है वो आपको भेजनी है। अब ये जो लेवल है वो आपको पता होना चाहिए, तो वो लेवल कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल नॉर्मल रेंज जो होती है डिगॉक्सिन की वो आपको वो होती है 0.5 से लेकर 0.8 नैनोग्राम पर एमएल। याद रखना इसकी यूनिट, याद रखना इसकी यूनिट कि आपकी जो नॉर्मल रेंज होती है इट शुड बी 0.5 टू 0.8 नैनोग्राम पर एमएल। किसी किसी बुक में आपको ये 0.5 से 2 नैनोग्राम एमएल भी दिया होगा, 2 नैनोग्राम एमएल भी दिया होगा, लेकिन टॉक्सिसिटी लेवल हमेशा आपका 2 से इंक्रीज होगा। यानी कि अगर वो पूछा जा रहा है नॉर्मल रेंज तो इट इज बिटवीन 0.5 टू 2, लेकिन अगर वो टॉक्सिक लेवल की बात कर रहे हैं, टॉक्सिक लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये है इसका टॉक्सिसिटी लेवल। कब बोलते हैं? जब ये थेरेपी, जब इसका जो लेवल है ब्लड में वो इंक्रीज हो जाए, मोर देन हो जाए 2 नैनोग्राम पर एमएल। यूनिट याद रखना 2 नैनोग्राम, नैनोग्राम पर एमएल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी नॉर्मल रेंज भी देख ली है जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम लोग इसके अर्ली साइंस ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी पे। तो सबसे पहले आपका एनोरेक्सिया, देन है आपका नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। ठीक है, उसके बाद आपकी हार्ट रेट एबनॉर्मैलिटी। हार्ट रेट एबनॉर्मैलिटी पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि इसका ये क्या करता है, ये आपका वेगल नर्व को स्टिमुलेट करके रेट को कम कर देगा। तो हार्ट रेट एबनॉर्मैलिटी और या फिर डिसएरिथमियाज भी कॉज हो सकते हैं इसकी वजह से, साइनस एरिथमियाज भी, ब्रेडीकार्डिया कॉज हो सकता है। तो ये हार्ट रेट एबनॉर्मैलिटी और विजुअल डिस्टर्बेंस। क्या है विजुअल डिस्टर्बेंस? विजुअल डिस्टर्बेंस में क्या होगा, जो हेलोज इफेक्ट होंगे वो दिखेंगे, और जो टर्म हम लोग इसमें यूज करेंगे विजुअल डिस्टर्बेंस जो होता है उसमें आता है आपका जेंथोप्सिया। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं जेंथोप्सिया। आप बोलेंगे जेंथोप्सिया क्या है? तो इट इज नथिंग बट येलो ग्रीन डिस्टॉर्शन ऑफ लाइट, येलो ग्रीन डिस्टॉर्शन ऑफ लाइट, डिस्टॉर्शन ऑफ लाइट। जो क्यों मिलता है आपका? क्योंकि हमने बोला कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम को इफेक्ट कर रहा है, उसके पंप को इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर के टाइम थे वो आप लोगों के मूव इन और मूव आउट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, और इसी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, ये होता है जेंथोप्सिया। ठीक है, जेंथोप्सिया यानी कि येलो ग्रीन डिस्टॉर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देख लिया है कि जेंथोप्सिया का क्या मतलब होता है। देन आपके बाद इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर हम लोग अगर डिगॉक्सिन देंगे पेशेंट को तो उसकी टॉक्सिसिटी लेवल विल गेट इंक्रीज। ठीक है, वहां पे वो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी लेवल तक पहुंच जाएगा। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? तो इसके जो रिस्क होते हैं यानी कि इंक्रीज रिस्क ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी कब कब, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर इसके टॉक्सिसिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं? तो वो है आपका हाइपोकैलेमिया। और हाँ, इसका जो साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में आप लोग एक और चीज ऐड कर देना, दैट इज योर हाइपरकैलेमिया। क्यों? क्योंकि आप हम लोगों ने मोड ऑफ एक्शन में क्या पढ़ा था आपका कि सोडियम अब बाहर नहीं जाएगा, है ना, पोटेशियम अंदर नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड में जो लेवल होगा पोटेशियम का वो जाएगा इंक्रीज। तो हाइपरकैलेमिया भी एक अर्ली साइन है डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी का। ठीक है,
अब हम वापस यहाँ पे मूव ऑन होते हैं, हमारे कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है, अगर हम इन कंडीशन में देंगे तो डिगॉक्सिन का लेवल जो होता है वो ब्लड में इंक्रीज हो सकता है, तो वो कंडीशन है हाइपोकैलेमिया, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, देन है आप लोगों का हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, और फिर है आपका हाइपो मैग्नीसीमिया, हाइपो मैग्नीसीमिया, ठीक है। तो ठीक है, तो इन इन कंडीशन में आपका डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। एट द एंड हम लोग देखेंगे कि हमें ईसीजी, हमने पहले भी बोला था कि हम लोग देखेंगे कि ईसीजी चेंजेस क्या क्या मिलते हैं आपको देखने के लिए। तो अगर हम एक नॉर्मल ईसीजी की बात करें तो ये है पी क्यू आर एस टी, है ना। तो आपका इसमें क्या होगा, इसमें क्या चीज होगा, जो आपका एस टी डिप्रेशन था वो फॉर्म होगा, एस टी डिप्रेशन, यानी कि पी क्यू, ठीक है, पी क्यू आर एस टी। तो यहां पे क्या होगा आपका, एस टी डिप्रेशन होगा, एस टी डिप्रेशन होगा, क्या फॉर्म होगा, एसटी डिप्रेशन। तो ईसीजी चेंजेस में आप लोगों को कोई पूछेगा तो ईसीजी चेंजेस में क्या फॉर्म होगा आपका, एसटी डिप्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स चेक साइन। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि रिवर्स चेक साइन कौन सी कंडीशन में देखी जाती है। तो ये जो यहाँ पे ये जो आपको साइन बन रहा है ना यहाँ पे, इसको क्या बोला है इन्होंने, रिवर्स चेक साइन। तो ईसीजी में जो चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा उसे इन्होंने नाम दिया है रिवर्स चेक साइन, या फिर ये क्या है, क्योंकि एक हॉकी शेप्ड है तो इसीलिए इसको एक और नाम दिया है, दैट इज योर स्कूप्ड अपीयरेंस। क्या नाम दिया है, स्कूप्ड अपीयरेंस, ठीक है। तो ईसीजी में आपको मिलेगा एसटी डिप्रेशन, जिसको उन्होंने रिवर्स चेक साइन या फिर स्कूप्ड अपीयरेंस बोला है। स्कूप्ड का मतलब होता है हॉकी शेप्ड, ठीक है, हॉकी शेप्ड। तो स्कूप्ड का मतलब क्या है, हॉकी शेप्ड अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे इसका एंटीडॉट, एंटीडॉट। तो फ्रेंड्स, इसका जो एंटीडॉट है, एंटीडॉट कौन सा है इसका, डिजी इम्यून फैब। क्या है इसका एंटीडॉट, डिजी बाइंड इम्यून फैब, डिजी बाइंड इम्यून फैब। अब आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि डीजी बाइंड, डीजी बाइंड यानी कि ये क्या करता है, जो डिगॉक्सिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से साइट्स में डिगॉक्सिन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो वहां उस तरीके से अब ये एंटीडॉट आपका करता है एक्ट, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग। हम लोगों ने डिगॉक्सिन के बारे में देखा, उसकी क्लासिफिकेशन, मतलब कौन सी क्लासिफिकेशन की ड्रग है वो देखा, मोड ऑफ एक्शन देखा, यूजेस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, मोड ऑफ एक्शन, देन अर्ली साइंस ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या क्या होते हैं वो देखे, ईसीजी चेंजेस क्या होते हैं, कौन कौन सी ऐसी रिस्क है फिर कंडीशन है जहां पे वी शुड नॉट गिव द ड्रग, ठीक है, क्योंकि वो डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के लेवल को इंक्रीज कर सकता है। तो वो सारी कंडीशन देख ली। एंड में हम लोगों ने देख लिया कि इसका एंटीडॉट क्या है, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। टिल देन, बाय, थैंक यू।